नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि रीट लेवल प्रथम और द्वितीय के अंदर जो कोर्ट में सुनवाई थी उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अपने देखेंगे कि 28,000 पदों के लिए जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका फैसला वो अभी सुरक्षित है। और जो 54,000 शिक्षकों की भर्ती है वो न्यायालय भर्ती के अंदर निर्माणाधीन है। और रीट लेवल प्रथम के अंदर 26,000 पदों की जो नियुक्ति है उसके लिए जो अगली सुनवाई है वो 23 जुलाई को है। इस वीडियो में अपने पूरी खबर देखेंगे और मेरे साथ बने रहिए अंत तक और देखते रहिए ये वीडियो। चलो दोस्तों देखते हैं ये वीडियो, चलो दोस्तों देखते हैं ये जो खबर है वो कब की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खबर है राजस्थान पत्रिका की है, बीकानेर, गुरुवार 12 जुलाई 2018 की ये खबर है। अब दोस्तों अपने खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि 28,000 पदों के लिए सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित है। राज्य में 54,000 शिक्षकों की भर्ती न्यायालय के लिए निर्माणाधीन है। 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए 23 जुलाई को अगली सुनवाई है। खबर में विस्तार से पढ़ते इसमें क्या कहा गया है कि राजस्थान की ओर से प्रदेश में स्कूलों के इसी वित्तीय वर्ष में तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के 26,000 व द्वितीय के 28,000 सहित 54,000 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायालय के निर्माणाधीन है। न्यायालय ने 26,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति दे दी है। इस पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 26,000 पदों में से 24,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अंतिम चरण में इस मामले में सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी। न्यायालय के आदेश से ही नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल द्वितीय के लिए 2 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई। इसका फैसला न्यायालय ने सुरक्षित रखा है। ये पद अभी विज्ञापित नहीं हुए हैं। इसी तरह विज्ञापन एवं गणित के शिक्षक की भर्ती पर रोक के मामले में 2 सदस्यीय खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। इसकी अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। आगे न्यायालय के आदेश पर होगी कार्रवाई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती की तैयारी कर रखी है। 24,500 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब न्यायालय ने न्यायालय के आदेश से नियुक्ति दी जानी है। 28,000 पदों के लिए न्यायालय आदेश के आधार पर निदेशालय कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों ये जो खबर थी ये किशन दास चारण, शैक्षणिक भर्ती प्रकोष्ठ अनुभाग अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से ये खबर थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप RS स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।